सो ही गाइस व्हाट्स अप, स्वागत आपका और एक एक्साइटिंग वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन प्रोटैगनिस्ट के बारे में। तो GTA 5 गेम के अंदर जो थ्री मेन प्रोटैगनिस्ट है उसमें से एक आपको फ्रैंकलिन देखने को मिल जाता है। तो फ्रैंकलिन के बारे में कुछ फैक्ट्स, फ्रैंकलिन की हिस्ट्री के बारे में और फ्रैंकलिन ने पास्ट में कौन सी एक्टिव परफॉर्म की है, तो वही सब कुछ अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, ये नहीं कि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। तो वीडियो को करते हैं शुरू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने माइकल और ट्रेवर के हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, तो वो आप डेफिनेटली वॉच करना मत भूलिएगा। तो GTA 5 गेम के अंदर फ्रैंकलिन का वॉइस ओवर किया है शॉन फोंटेनो ने, और साथ ही साथ में फ्रैंकलिन का फुल नेम आपको फ्रैंकलिन क्लिंटन देखने को मिल जाता है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन के कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रैंकलिन का जन्म साउथ लॉस सैंटोस सैन एंड्रियास में हुआ था। तो गेम में फ्रैंकलिन की कोई बर्थ डेट तो नहीं मेंशन की है, पर फ्रैंकलिन की कार के ऊपर का जो नंबर है जो कि है FC 1988, उस पर से ऐसा लगता है कि मे बी फ्रैंकलिन की बर्थ डेट भी 1988 हो सकती है। तो बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन के माता पिता के बारे में। तो फ्रैंकलिन अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता, और फ्रैंकलिन की मदर जो होती है वो ड्रग एडिक्ट हो जाती है जब फ्रैंकलिन छोटा होता है तब। तो फ्रैंकलिन ने बचपन में उसके पिता के बारे में बहुत सी बातें भी सुनी हैं कि वे कितने वायलेंट नेचर वाले थे, और फ्रैंकलिन के मदर के साथ वो फिजिकली अब्यूजिव भी थे। एंड शायद फ्रैंकलिन के पिता के यही बिहेवियर की वजह से फ्रैंकलिन की जो मदर थी वो ड्रग एडिक्टिव बन गई थी, और साथ ही साथ फ्रैंकलिन के पिता ने फ्रैंकलिन की मदर को छोड़ दिया था जब वो प्रेग्नेंट थी, और फ्रैंकलिन के बचपन में ही फ्रैंकलिन के मदर की डेथ हो गई थी ड्यू टू ड्रग ओवरडोज की वजह से। तो फ्रैंकलिन अपने माता पिता को खोने के बाद अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रहने लग जाता था, एंड उसके बाद फ्रैंकलिन की मुलाकात होती है टोनिया एंड जेबी ब्रैड शॉन के साथ। तो ग्रैंड मदर के बहुत समझाने के बावजूद भी फ्रैंकलिन स्ट्रीट हस्टलर बनने का डिसीजन लेता है, एंड उसके बाद फ्रैंकलिन अपना पहला काम ब्रैड शॉ के साथ इलीगली सिगरेट बेचने का करता है। तो ये सब काम सब कुछ सही चल रहा होता है, पर एक दिन फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, और GTA 5 गेम में टोनिया से एक मिशन के दौरान ऐसा पता चलता है कि इस बात पर फ्रैंकलिन के ग्रैंडफादर ने फ्रैंकलिन का और ब्रैड शॉन का पूरे लॉस सैंटोस में पीछा किया था। फ्रैंकलिन के ग्रैंड पेरेंट्स के डेथ होने के बाद फ्रैंकलिन अपने आंट डेनिस के साथ फोरम ड्राइव वाले घर में शिफ्ट हो जाता है, जो कि फ्रैंकलिन के ग्रैंड मदर ने विल में फ्रैंकलिन के नाम पे किया था। एंड उसके बाद फ्रैंकलिन डेविस हाई स्कूल ज्वाइन करता है लमार तनिशा एंटोनिया के साथ, एंड यही से फ्रैंकलिन की और तनिशा की रिलेशनशिप चालू हो जाती है। एंड फ्रैंकलिन जो है वो अपनी क्लास में ध्यान नहीं देता था, पर एक कुछ रीजन की वजह से फ्रैंकलिन जो है वो अपने टीचर को बहुत ही बुरी तरह से मारने की वजह से फ्रैंकलिन स्कूल से निकाल दिया जाता है। एंड इसी टाइम पीरियड में फ्रैंकलिन डोप डीलर बन जाता है, एंड कुछ स्ट्रीट क्राइम करना चालू कर देता है लमार के साथ मिलकर, एंड उसके बाद दोनों मिलकर कुछ छोटे क्राइम और रॉबरी करना चालू कर देते हैं, लाइक कारजैकिंग एंड स्मॉल टाइम बैंक रॉबरी। फ्रैंकलिन अपनी पहली रॉबरी लमार के साथ मिलकर $2,000 की चोरी करता है, पर रॉबरी के दौरान एक्सीडेंटली पैसों के ऊपर डाई पैक स्प्लिट होने की वजह से फ्रैंकलिन एंड लमार वो जो सारे पैसे है वो यूज नहीं कर पाते। फ्रैंकलिन ने बाद में एक लोकल ड्रग डीलर मार्कस के साथ भी काम किया है, बट बाद में कुछ रीजन की वजह से फ्रैंकलिन ने उसको मार डाला। उसके बाद फ्रैंकलिन पूरी तरह से क्राइम लाइफ में घुस जाता है, एंड इसी वजह से इन 2008 एक क्राइम करते समय फ्रैंकलिन पकड़ा जाता है एंड उसे जेल हो जाती है। और जेल से बाहर निकलने के बाद फ्रैंकलिन अपनी पूरी गैंग और क्राइम लाइफ छोड़कर एक अच्छा काम करने का डिसीजन लेता है। तो GTA 5 गेम इवेंट से कुछ ही दिनों पहले फ्रैंकलिन लमार के साथ मिलकर एक अमेरिकन बिजनेस पर्सन सिमोन के साथ काम करना चालू कर देता है। तो सीमन का कार डीलरशिप का बिजनेस होता है, एंड साथ ही साथ लोन शार्किंग एंड एक्सटॉर्शन का भी बिजनेस होता है, जिसमें फ्रैंकलिन एंड लमार ये दोनों के दोनों भी कार रिकवरी का काम करते हैं। एंड इसी टाइम पीरियड में फ्रैंकलिन का तनिशा के साथ ब्रेकअप हो जाता है ड्यू टू हिज ब्रदर डेथ, एंड फ्रैंकलिन के क्रिमिनल लाइफस्टाइल की वजह से उसको हार्म हो सकता है, दैट्स वाई। तो इसके बाद की जो स्टोरी है वो आपको GTA 5 गेम के अंदर देखने को मिल जाती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो यही कुछ आपको फ्रैंकलिन के बैक लाइफ और साथ ही साथ में फ्रैंकलिन के हिस्ट्री के बारे में देखने को मिल जाता है, एंड साथ ही साथ में मैंने माइकल और ट्रेवर के हिस्ट्री के बारे में वीडियो बना दिया है, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए या फिर गेमिंग न्यूज की सीरीज देखने के लिए या फिर गेम प्लेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।